आज हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट जब हम किसी चीज का उपयोग करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, जो कॉस्ट होती है, जो आपकी कॉस्ट लागत होगी, लागत का मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्शन को करने के लिए आपने क्या उसके लिए सेक्रीफाइस किया, क्या एफर्ट किया। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है, अ फर्म्स कैरीज आउट द बिजनेस टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, जो कॉस्ट होती है आपका, इस वाली लाइन पे आप लोग ध्यान से देखना, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। आप लोग जान लो कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, मैंने आप लोगों को कई बार लेक्चर्स में भी बताया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो आप लोगों की इसमें निर्धारित होती हैं, जो कि आप देख सकते हो और फील कर सकते हो। जैसे कि क्लास में डिस्कस हुआ था, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हो किसी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए आप कॉस्ट को इन्वॉल्व करोगे, जो कि डायरेक्टली आपके बिजनेस में लग रही है। हिंदी में कहें तो ऐसी लागत जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सर में लगी होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपकी लागत हो जाएगी क्या, जैसे आपको किसी को किराया देना है, किसी को आपको किराया के साथ साथ आपको किसी को कैश पेमेंट करनी है इत्यादि। ठीक है ना, ये आपके कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट के पहला टाइप होती है डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट के बाद जो आपका आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है और अप्रत्यक्ष रूप से आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के दौरान लगती हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच द फर्म्स लेट टू गो और सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू हायर एन अल्टरनेटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि आप अल्टरनेटिव वे में कैसे उस चीज को हायर कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई भी लेबर रखना है, कोई भी आपको मशीनरी यूज करनी है, तो उस कंडीशन में आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट लागू होता है। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग इसका यूज क्या होता है, यूज भी आप लोग को मैंने बताया है। यूज का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्शन कम्युनिटीज को प्राइसिंग स्ट्रेटजीज दोनों कॉस्ट आप यूज करके बनाते हो। ठीक है, ये आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी कार्य करता है। इसकी मीनिंग होती है, अंतर क्या होता है, जो मैंने आज आप लोगों को क्लास में भी बताया था। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द दोज कॉस्ट आर मेड बाय द कैश पेमेंट। जब भी आप किसी को पैसे के रूप में कोई भी कॉस्ट देते हो, ठीक है ना, जिसे पॉकेट से निकाले 10 की नोट आप उसको दे दिए, ठीक है, 20 की नोट दे दिए, ये होता है कैश पेमेंट। वहीं पे जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी वो आप कैश के रूप में नहीं देते हो, ठीक है, इनडायरेक्टली आप पे करते हो। ठीक, अब इसके बाद आता है इसका नेचर। ये डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट होती है। ये हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया था क्लास में, इसमें आप लोग रिकॉर्ड भी कीप करते हो। ठीक है ना, आप किसी को घर में देखो, पेमेंट होती है तो डायरी में आप लिखते हो किसको मैंने कितना पैसा दिया। ठीक है, आपने खेती बाड़ी में बीज के लिए कितना पैसा लगाया, सिंचाई के लिए कितना पैसा लगाया, कटाई के लिए कितना पैसा लगाया, ये आपके ऊपर कॉस्ट होती ही होती है। वहीं पे इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये छिपी हुई कॉस्ट होती है। जिससे आप कोई बिजनेस कर रहे हो और कोई अनवांटेड कॉस्ट आपके बिजनेस के दौरान आ जाती है सामने, ठीक है, जो कि छुपी होती है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट में मनी का आउटफ्लो को हम लोग दर्शाते हैं, और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया जाता है कि वो आउटफ्लो हो रहा है मनी। ठीक है, अब इसी के आगे चलते हैं। इसी को कहते हैं दूसरे शब्दों में एक्सपेंडिचर अकर्ड और देयर इज नो एक्सपेंडिचर अकर्ड, आप इसको नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो 9th नंबर के अगर पॉइंट में आप लोग देखोगे तो 9th नंबर के पॉइंट में लिखा है सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस एंड सैलरी वेजेस, जिस तरह आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग देखो सैलरी पगार, आप कोई भी पगार देते हो तो उस दौरान आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, वेजेस, देखो सैलरी और वेजेस में अंतर है। सैलरी होती है आपके ऑल एक्सपेंसेस को निर्धारित करते हुए आपका वर्क के हिसाब से दिया जाता है मंथली वेजेस, मंथली बेसिस में। वहीं पे जो आपकी वेजेस होती है वहां पे आप क्या करते हो, वेजेस आपका डेली पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप खरीदोगे तो उसका पैसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, रॉ मटेरियल जैसे कि बीज, बीज का पैसा लगेगा। ठीक है, और बीज के साथ साथ आप किसी भी रॉ मटेरियल को, जिस तरह आप फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड इत्यादि का प्रयोग करोगे वो पैसा लगेगा ही लगेगा, ये आपको पता है, डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में लगता है। वहीं पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखो, जैसे कि इंटरेस्ट ओन्ड कैपिटल एक्सेट्रा, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक का ही नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि आगे में क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसी लागतें जो कि फिक्स्ड होती हैं। पहली चीज आप लोग जान लो, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी लागत जो कि प्रोडक्शन के दौरान फिक्स हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान फिक्स होने का मतलब होता है कि ये लागतें चेंज नहीं होंगी किसी भी ड्यूरेशन के दौरान। तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, दोस कॉस्ट जो आपके शॉर्ट रन, पहले आप लोग जान लो कि खेती बाड़ी में जो होता है ना उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है सिर्फ छोटे समय के लिए, लंबे समय की अवधि में फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि जानते हो कि आप लोग इस साल की खेती किस रेट में कर रहे हो, अगले साल की खेती और महंगे रेट में होती जाती है। ठीक है ना, इस कारण से आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को शॉर्ट रन के समय में उपयोग करोगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं इसका वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो कि समय के दौरान प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान बदलती होती हैं। जैसे कि आप समय के दौरान आप कैसे बदलेंगे, जैसे आपने कोई भी कमोडिटी खरीदा, जैसे प्याज का वो उत्पादन कर दिया। ठीक है, हमेशा याद रखो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में आप लोगों का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपका प्रोडक्शन चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगनी ही लगनी है। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट में होता है, अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, प्रोडक्शन में अगर आपका प्रोडक्शन है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, इसी में देखो वेरिएबल कॉस्ट विथ चेंजेस इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टाइम पीरियड, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपने प्याज का उत्पादन किया और आपने मार्केट में उस प्याज को बेच दिया, किसते भाव में, 20 रुपए केजी के भाव पे, और आपने बेचा और विद इन 1 डे आपका पता चलता है या 1 वीक के अंतर्गत
वो प्राइस पहुंच गई 80 रुपए केजी, 50 रुपए केजी, ठीक है ना। तो आपने सौदा किया कितने में, 20 रुपए केजी के हिसाब से, लेकिन प्राइस बदल गई प्रोडक्शन के बाद। इस कारण से आपको वेरिएबल कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी के बीच का अंतर, अंतर आप लोग ध्यान से देखो, क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। अंतर जो होते हैं वही चीज है, मीनिंग एंड उसी का डेफिनेशन है। ये होते हैं एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसका नेचर फिक्स्ड कॉस्ट का रहता है, जो कि चेंज नहीं होता है शॉर्ट पीरियड में, वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता रहता है। इसका जो अकरेंस होता है, चाहे आपका प्रोडक्शन प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तो भी आपका फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। और वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस जब हो जाती है आपके खेत में, तभी लगता है वेरिएबल कॉस्ट, उसके पहले नहीं लगता है, ठीक है। और जो फिक्स कॉस्ट होती है, इसी को क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसी को कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, जो आपके सर पे चढ़ी होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल को देखोगे ध्यान से, जैसे कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट लिया, जैसे डिप्रिसिएशन चार्जेस, ठीक है। आपने सपोज ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर को शोरूम से बाहर लेके आए, ट्रैक्टर को आप शोरूम से बाहर लेके आए, और शोरूम से जैसे ही बाहर लेके आ रहे हो, वैसे ही अगर आप शोरूम में वापिस तुरंत ट्रैक्टर को वापिस ले जाओगे, तो वो आपको डिप्रिसिएशन वैल्यू लगा देगा, ठीक है ना। जैसे डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती है, कमोडिटीज का मार्केट के हिसाब से उसके अंदर जो भी वियर एंड टीयर्स होते हैं, उस दौरान आपका पूरी प्रोसेस लगती है। जैसे उसका बट्टा कहोगे, ठीक है, जब आप बट्टे को क्या कहते हो, जैसे कि जिस तरह आप यूज किए किसी भी फार्म मशीनरी को, और उसकी वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू घटती जाएगी, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपने बिजली कम यूज की तो कम बिल आएगा, ज्यादा यूज की तो ज्यादा बिल आएगा। रॉ मटेरियल्स आपके हर दिन खेती में देखते जा रहे हो, हर सीजन की खेती महंगी होती जा रही है। सैलरीज, हर सीजन आपको उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लेबरों को वेजेस के रूप में भी देना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों के कारण आपका वेरिएबल कॉस्ट लगती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन में, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये तो क्लास में भी डिस्कस हुआ था, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। और आगे चलते हुए देखते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि फॉर्म्स में थैंक डायरेक्टली यूज होती है। एक तरीके से ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ही एक प्रकार होता है, जो कि फ्यूचर के कामों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट फॉर्म्स एक्चुअली अकर्स, दिस इज देयर इज एन एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच केप्ट इन जी। रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर। इसमें आपको फ्यूचर अकाउंट, जो आप लोग बही खाता सुनते हो ना, खाता, बिल्कुल अब इसी में आता है इकोनॉमिक कॉस्ट, जो कि आप लोग आर्थिक रूप से लगता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर इन हिज बिजनेस, ठीक है। देयरफॉर इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दैट द एंटरप्रेन्योर वाइल कंडक्टिंग बिजनेस, ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम होती है, ठीक है ना। एक तरीके का फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इकोनॉमिक कॉस्ट जो भी आपके इकोनॉमिकली कॉस्ट में लगेगा, फिर इसी के बीच का अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अब आप लोगों को बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मुख्य पाठ है, ठीक है। मुख्य पाठ क्या, अब यहां पे ध्यान से देखना,
क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन, गिव द डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर। प्रोड्यूस इज गुड, द टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये एक तरीके का सम होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका एक तरीके से सम है, जिसको हम फार्मूले के रूप में नीचे आप लोग देखोगे, उसको कॉपी पेन में नोट डाउन भी कर लो। ठीक है, ये फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम लोग दर्शाते हैं टीएफसी के माध्यम से। और ये जो आपका है प्लस का साइन, ये आपका जोड़ने का साइन है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग दर्शाते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीवीसी के फॉर्म से। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है। अभी आप लोग यूजी बेस के स्टूडेंट हो, इस कारण से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आप एमएससी करते हो तो उस कंडीशन में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एवरेज कॉस्ट क्या होता है। जैसे हम लोग मैथ में पढ़े हैं, गणित में पढ़ते हैं ना, एवरेज निकालना है, तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये नोट डाउन कर लो सभी लोग कॉपी में। ठीक है, ये क्या होता है एवरेज, जिससे हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, अगर दस संख्या लिख दी गई एक से लेके दस तक, उसका एक से लेके दस तक का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 10 तक जाओगे, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है नीचे, 10 है, तो उस कंडीशन में एवरेज निकल आता है। ऐसे ही कॉस्ट के कंडीशन में भी होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये फार्मूला है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप लोगों को ज्यादा सहूलियत होगी। नेक्स्ट इसी में आगे चलते हैं, एवरेज कॉस्ट का और क्लियरिफिकेशन आएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर मैंने बात कही है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के माध्यम से। वही चीज है, एवरेज कैसे निकालोगे, जिस तरह आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, तो उसमें जैसे डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, ये सब की वैल्यूज आप लोग लिखोगे, फिर उनका एवरेज कर दोगे, कितने क्वांटिटी हैं, नीचे से डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी नंबर से, तो आपकी आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वहीं पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इरिगेशन का बिल हो गया, सैलरी हो गई, तो उन सभी को जोड़ दोगे, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे, फिर उतने कंपोनेंट्स को नीचे डिवाइड कर दोगे उन संख्या का टोटल का, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आएगा। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इन अकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। जिस तरह हमने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होती है, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट होती है, वहां पे यूटिलिटी में आप यूनिट जुड़ते जाते हैं, वैसे कॉस्ट में भी आपकी यूनिट्स जुड़ती जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ऑन एक्स्ट्रा यूनिट आफ्टर प्रोड्यूसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ द यूनिट। इसका एक फार्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का, ये ध्यान से देखो, ये वाला फार्मूला सभी लोग लिख लो, यूजी बेस में से फार्मूला पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट एम यहाँ दर्शा रहा है, एम फॉर मार्जिनल, सी फॉर कॉस्ट, और जो एन है वो किसी एक क्रॉप को या नंबर्स को दर्शा रहा है। तो टी सी क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और जो एन है वो किसी एक पर्टिकुलर
नंबर को दर्शा रहा है। यहां पे भी देखो टोटल कॉस्ट एंड माइनस वन, इसको और अगर डेफिनेशन को डेप्थ में देखना है तो देखो मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सपेंस इन अकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना। इसका मैं डायग्राम भी आप लोगों को शो कर देता हूं, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है ना। अभी रुकिए, आप लोगों को मैं पूरा इसको दिखा देता हूं, इसका डायग्राम, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखो, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे तो इसका इसका जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस में इसका कॉस्ट है, ठीक है ना। एक आउटपुट हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाई दे रहा है, कॉस्ट जो है वाई एक्सिस में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो एवरेज जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है हमेशा वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है सबसे ऊपर ग्राफ में, कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपको ग्राफ बनाना है मार्जिनल कॉस्ट का, तो हमेशा याद रखना जो भी ग्राफ बनेगा मार्जिनल कॉस्ट का हमेशा वो टॉप में होगा, ठीक है। फिर एवरेज कॉस्ट जो रहेगा मार्जिनल कॉस्ट से जस्ट इस तरीके से रहेगा, ठीक। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा वो इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट के नीचे का बनेगा, और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग का बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि जानते हो ना मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट जुड़ती जा रही है, इस कारण से वो ऊपर भागता जाता है। फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट आती है तो उसकी वैल्यू थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्ट के करीब होती है, इस कारण से वहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट के करीब रहता। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे कम की वैल्यू आती है जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, ठीक है। इन सभी का कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी आपकी कैलकुलेशन में, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू उससे थोड़ा सा करीब रहेगी लेकिन कम रहेगी, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू इससे थोड़ा कम रहेगी, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू इन सभी तीनों से सबसे कम रहेगी। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कॉपी में आंसर लिखना ये करेक्ट आपका डायग्राम है, क्लियर है। अब इसके ऊपर चलते हैं। अब ये टोटल, ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। वही होता है, मीनिंग क्या है, टोटल है, टोटल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर अकर्ड इन द बल्क। एवरेज में क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर अकर्ड इन वन यूनिट। वही मार्जिनल हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इन अकर्ड टू द प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट, जिससे मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी में होता है, सेम टू सेम ऐसे ही आपका होता है। डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग के लिए एग्जाम में आएगा। ये देखो ग्राफ है, इसको जरूर आप लोग फार्मूला को और ग्राफ्स को कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको देखने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने अभी ग्राफ आप लोगों को शेयर किया था वो टोटल जो होता है वो सारी चीजें उसी ग्राफ को कंबाइन एक सिंगल ग्राफ में कर दिया। यहाँ देखो अलग अलग ग्राफ है, जिससे ये वाला ग्राफ हो गया टोटल, यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, ठीक है, एवरेज कॉस्ट का, ये आपका जो 6 नंबर में है ये आपका हो गया इसका टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, ये वाला, ये है आपका एवरेज कॉस्ट का ग्राफ, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है, और यहाँ पे ये सारे फार्मूले लिखे गए हैं, इसको आप लोगों को घोट लेना है, एकदम इसको कंटेस्ट कर लेना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और डिस्टिंग्विश करने को आते हैं। यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे इसके बेस में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है।
आप लोगों को सिर्फ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, जब आप लोग हायर सेमेस्टर में जाओगे तो हायर सेमेस्टर में जब आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने को आएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट जब आप लोगों के यहाँ क्लियर होंगे तो ही आप वहां पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी दैट इज लेट गो ऑफ ऑफ और एन अल्टरनेटिव चॉइसेस। इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, आपको भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी भविष्य में तो आप अच्छी कंपनी में जाओगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब की तो आप अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे। वैसे ही आपका क्या होता है, आप खेती बाड़ी करते हो, पहले क्या होता है ट्रेडिशनल खेती बाड़ी होती थी, सिंपल पानी को बहा दिया जाता था, इस कारण से कॉस्ट उसकी लागत ज्यादा रहती थी। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली आपके पास सरकार के प्रोत्साहन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोत्साहन से, आपको स्प्रिंकलर लगाने में, ड्रिप इरिगेशन लगाने में, पॉली हाउस बनाने में लगा के, ऑफ सीजन खेती करने में तरीके आप लोगों को सिखाए गए केवीके के माध्यम से, तो इन सभी चीजों से आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज इन बिजनेस इज द सेक्रीफाइज ऑप्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो इसका यूज होता है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। तो बेसिकली जो आपका ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, जो आप लोग पढ़े हो ना इक्की मार्जिनल यूटिलिटी, उसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, इक्की मार्जिनल यूटिलिटी को भी क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था इक्की मार्जिनल यूटिलिटी उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। वहां पे आप कम्बिनेशन निकालते हो कि हमें कहाँ से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वही कम्बिनेशन यहाँ पे भी निकाला जाता है अपॉर्चुनिटी कास्ट में, कौन से ऐसा जोड़ा बनाया जाए या काम करने के तरीके का जोड़ा बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें गेन हो सके। तो बेसिकली आज हम लोगों ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है। इसका जो डायग्राम होता है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो सारे बच्चे, ठीक है, इस टेबल की। एंड ये ग्राफ है, इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट खींच लो। तो कुल मिला के हम लोगों ने पढ़ा कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड उसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा, ऐसे ही टेबल के फॉर्म में पढ़ लो तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।